नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार शर्मा हर शनिवार की तरह इस बार फिर आपके समक्ष राज मंत्र आपका चाहने वाला आपका आवडता शो लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले शनिदेव को प्रणाम करते हैं। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संभुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। कलयुग के सबसे पावरफुल प्लैनेट की अगर हम बात करें, ग्रह की अगर हम बात करें, तो वो है शनिदेव। और ये विधि की विडंबना है, विधि का विधान है कि राज मंत्र जो है आज पिछले 6.5 सालों से शनिवार के दिन 7:28 के ऊपर आपके समक्ष हाजिर होता है। और आज तक आप लोगों का प्रेम इस शो को बहुत मिला, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और अब शनि की ही क्यों बात मैंने आज की, इसका बहुत बड़ा कारण है। शनि की बात इसलिए की कि शनि जब भी ट्रांजिट करता है, चेंज होता है, तो कहते हैं कि दुनिया में या तो उथल पुथल होती है, वातावरण या तो नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है। तो मित्रों, शनि अपना 2.5 साल का एक स्थान जो है वो छोड़कर दूसरे स्थान में परिवर्तित हो रहा है। शनि जो है वो धनु राशि से मकर राशि के बीच में प्रवेश कर रहा है। और शनि का अपना घर जो है वो मकर और कुंभ राशि ही है। शनि के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से गलत फहमियां हैं, बहुत से बहम हैं कि शनि देव क्रूर है, शनि देव ईवल है। शनि देव, एक बात ध्यान रखिए, सबसे सौम्य ग्रह शनि है। शनि देव जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड हैं, दुनिया के सब मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो शनि देव हैं। और मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये है कि जब आपके कर्मों का फल अगर कोई प्लैनेट देता है तो वो शनि देव हैं। इसीलिए उनको कर्म फल दाता भी कहा जाता है। उनके पिता सूर्यदेव हैं। आपने अपने पिता सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि अगर कोई किसी भी तरह का गलत काम करता है तो शनिदेव उसको दंडित करते हैं। और अगर कोई अच्छे काम करता है, गरीबों की मदद करता है, गरीब की लड़की की शादी करवाता है और समाज सेवाएं करता है, तो शनिदेव उसको बहुत बड़ा उपहार परितोष देते हैं। उसके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो शनि का जो ये ट्रांजिट है, इसके ऊपर एक बड़ा शो हम लोग बहुत बाद में करने वाले हैं। 24 तारीख को शनि का परिवर्तन हो रहा है। कुछ पंचांगों में शनि का परिवर्तन 20 तारीख को शुरू होता है। कुछ पंचांगों में शनि का जो परिवर्तन है 22 तारीख को हो रहा है। कुछ पंचांगों में शनि का परिवर्तन 24 तारीख को हो रहा है। तो हम ये समझ लेते हैं कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक शनि देव जो हैं वो अपने गुरुदेव की राशि धनु राशि को छोड़कर धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिए शनिदेव को आप सब जो हैं प्रणाम जरूर करें। और मकर राशि में शनि क्या हो जाता है, स्वग्रही हो जाता है। अब इस वक्त वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की 6.5 सती खत्म हो जाएगी। धनु, मकर और कुंभ राशि पे शनि की 6.5 सती शुरू हो जाएगी। मकर राशि के ऊपर दूसरा ढैया, ढाई साल के 3 ढैये होते हैं 6.5 सती के, और कुंभ राशि में पहला ढैया शुरू हो जाएगा। धनु राशि में दूसरा ढैया शुरू हो जाएगा, तीसरा ढैया शुरू हो जाएगा, जो 2.5 साल के बाद धनु राशि में 6.5 सती खत्म हो जाएगी। मगर 6.5 सती के ऊपर भी बहुत से लोगों की बहुत से सी विडंबनाएं हैं, बहम है, बहुत तरह तरह के उनके अपने अपने ख्यालात हैं,
मगर यहां पर मैं पंडित राजकुमार शर्मा, जिनको आपने बहुत प्यार किया, मैं शनि देव के बारे में इतना ही बता सकता हूं कि अगर आप अच्छे काम करते हो तो शनि कौन सी राशि में भी हो, किसी तरह की भी साढ़े सती लगी हो, आपको शनि देव प्रहार नहीं करेंगे, परितोष देंगे। मकर राशि में शनि अपना स्वग्रही हो गया तो मकर राशि वालों को बहुत से चैनलों के ऊपर बोला जा रहा है मकर और कुंभ के लिए अच्छा नहीं है। भाई जब अपने घर जा रहा है और आपकी, अगर आपकी कुंडली में शनि मकर राशि और कुंभ राशि का नहीं है तो डेफिनेटली आपको शनि के उपाय करते रहना चाहिए। आपको शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कौए को गाठिया खिलाना चाहिए, शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए, काले कपड़े पहनने चाहिए, काला कपड़ा शनिवार को दान करना चाहिए, गरीब को खाना खिलाना चाहिए, गरीब की बच्ची की शादी करनी चाहिए, ये सब, और बरसात में छतरी बांटनी चाहिए, काला जूता बांट दे, लोगों को गिफ्ट देना चाहिए, काला उड़ीद जो है वो आप दान कर सकते हो, गुड़ दान कर सकते हो। अगर आपका शनि कुंडली में मकर राशि में नहीं है, मगर अगर कुंडली में मकर राशि में शनि है तो मैं तो यही कहूंगा यहां पर, चाहे कितने भी पंडित इसका विरोध कर लें, कि शनि आपको उपहार देगा, धन कमाने के लिए योग देगा, प्रसिद्धि देगा, बनिस्बत कि आप अच्छे कर्म करो। शनि देव की बात करते हुए, शनि देव को प्रणाम करते हुए, मैं यहां पर आपके सामने एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। अभी गया और अभी आया, आप जुड़े रहिए क्योंकि आगे आने वाले समय के ऊपर हम बात करेंगे, राज ठाकरे के नए प्रहार की, नए अवतार की, संजय राउत की, सुप्रिया सुले की, और दिल्ली के इलेक्शन की, और आपका आवड़ता शेयर मार्केट की। अभी आया आपके सामने। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे शनि देव की, और शनि देव के बारे में कोई भी भ्रांति अपने मन में मत रखें, अच्छे काम करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जितना अपना पैसा है उसमें से कम 10-15% जो आपकी कमाई है गरीबों में दान करें, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं अगली, राज ठाकरे साहब का नया अवतार क्या होगा। कहते हैं कि समय जब बदलता है तो रंक राजा बन जाता है और राजा रंक बन जाता है, और चाय बनाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और बकरियां चराने वाला यूएसए का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो मित्रों, समय का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, समय आप आपके साथ है तो आप सबसे प्रबल आदमी बन जाते हैं। राज ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 14/6/1968 के दिन, फ्राइडे के दिन इनका जन्म हुआ, और इस वक्त मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शनि की महादशा लगी हुई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही मैं इनके बारे में बोलते आया था कि इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मकर राशि में शनिदेव का 24 तारीख को परिवर्तन, और 23 तारीख को राज ठाकरे जो हैं एक बहुत बड़ा कोई ऐलान करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन उनके जीवन में हो सकता है, उनकी शैली में हो सकता है, उनकी अटायर में हो सकता है, उनके कपड़ों में हो सकता है, और कहीं ना कहीं उनकी वाणी में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पिछले 9 साल राज ठाकरे साहब को शनि ने जितना प्रताड़ित करना था कर दिया। मैं तो अब उनसे यही अनुरोध करूंगा, अच्छे काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे तो शनि देव उनको भर भर देगा, भर भरून देल ऐसा मला वाटता है। अब अगर हम बात करते हैं इस वक्त उनकी कुंडली की, तो मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि 20 अक्टूबर से राज ठाकरे की जिंदगी में उदयकाल शुरू होगा, बहुत सी पार्टियों के लोग हो सकता है उनको ज्वाइन करें, और 23 तारीख से जो वो अपने नए झंडे का ऐलान करने जा रहे हैं और नई कुछ नीतियां ऐलान करेंगे, उसका महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का मुद्दा ही ये रखा था मराठी मानुस, और अब एक मुद्दा और जुड़ सकता है, वो हो सकता है हिंदुत्व का मुद्दा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां जो हैं उनको सपोर्ट करती हुई दिखती हैं, और आगे आने वाले दिनों में इस महाविकास अघाड़ी के विरोध में जो लोग खड़े हैं डेफिनेटली राज ठाकरे के साथ खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। ये एक बड़ा ऐलान है, मुझे लगता है ये 23 तारीख की रैली के बाद महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा दौरा करेंगे, और एक नहीं कम से कम 10-15 रैलियां करते हुए दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में, और देश में एक राज ठाकरे का नया रूप आपको दिखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये महाराष्ट्र में राज ठाकरे के लिए और
अपने खुद के लिए और महाराष्ट्र नवनिर्माण के लिए एक नई दिशा होगी, एक नया आगाज होगा और उसमें उनको काफी बड़ी सफलता मैं आगे 3 सालों में देखता हूं। आगे बात करते हैं विवादों में हमेशा घिरे रहने वाले, मीडिया में हमेशा चमकने वाले संजय राउत साहब की। आज भी सारा दिन वो मीडिया में चमकते रहे, मगर हमारा मुद्दा ये है कि क्या उनको आगे आने वाले दिनों में संजय राउत जो हैं उनको राज्यसभा वापस रिपीट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर की हैसियत से वो वापस दिल्ली जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। 15/11/1961 इनकी भी मकर राशि है मित्रों, मगर खूबसूरत बात यह है कि इनका जो शनि है वो मकर ही राशि का है, अपनी राशि के ऊपर ही शनि जा रहा है इनका, मकर राशि का ही शनि है और लाभेश में 11वें घर में बैठा हुआ है। जब 9वें घर में 10वें घर में था इनके, तो डेफिनेटली इनको तकलीफ थी। आज 11वें घर में वापस शनि जो है वो जा रहा है, विवादों में पड़े, उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई, मगर कहीं ना कहीं सत्ता में आने में संजय राउत जो है उनका 50% भागीदारी मैं मानता हूं। अगर आप मुझे ये पूछें कि ये क्या संजय राउत जो है उनको वापस रिपीट मिलेगा, तो कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, 11/4/2019 बुध की महादशा हमारे आदरणीय श्री शरद पवार साहब की भी चल रही है, और बुध जो है बुद्धि का कारक है। कुछ बातें खुद और कुछ बातें जो हैं अपने पूर्वजों से, सॉरी अपने बुजुर्गों से पूछ कर करते हैं संजय राउत। आज के दिन मैं यहाँ पर यह भविष्यवाणी करता हूँ कि संजय राउत को आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली राज्यसभा मेंबरशिप वापस रिपीट होती हुई दिखाई देती है। एक बात पक्की है कि बुध की महादशा 2019 अप्रैल 2019 से शुरू हुई, 2036 तक उनका आगे आने वाले दिनों में अच्छा है। ये थी संजय राउत, राज ठाकरे और संजय राउत साहब की बात करी हमने। आगे बात करेंगे सुप्रिया सुले की, मगर अब फिर एक बार वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप राजमंत्र के साथ जुड़े रहिए, देखिए आगे आने वाली भविष्यवाणियां और आकर्षण वाली है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सुप्रिया सुले की, एनसीपी सुप्रीमो की पुत्री, जन्म 30 जून 1969, धनुराशि। धनुराशि के ऊपर इस वक्त लास्ट ढैया शुरू हुआ है, मगर कहते हैं शनि उत्तम है तो जाते हुए बहुत कुछ देके जाता है, और इनकी तो कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है 20/8/2019 से 20/8/2035 तक। तो यहां तक गुरु की बात करें, मैं तो सुप्रिया सुले की कुंडली में प्रधानमंत्री तक बनते हुए उनको देखता हूं। अभी जवान है, यंग है और पूरा जीवन उनके साथ में है, बहुत परिश्रमी है और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए वो कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। डेफिनेटली मुझे यहां तक लगता है कि वो अगर यहां सवाल मुझे ये पूछा गया कि क्या वो महाराष्ट्र कैबिनेट में आएंगी, मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र कैबिनेट में कहीं भी उनके आने के योग हैं। दिल्ली में उनको, क्योंकि यहाँ पर उनको समुद्र पड़ा है, यहाँ पर उनको तैरने के लिए समुद्र पड़ा है, दिल्ली में डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी आगे आने वाले दिनों में, जो कि अपने पिता की सारी मनोकामनाओं को, सारे सपनों को पूरा करती हुई दिखाई देती हैं। आई विश हर ऑल द बेस्ट। आगे बात करते हैं कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं और क्या होगा दिल्ली के इलेक्शनों में। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस वक्त गुरु की महादशा लगी हुई है 17/8/2020 तक, और 17/8/2020 तक गुरु जाते हुए उनको फिर एक बार दिल्ली की गद्दी देते हुए दिखाई देता है। मुझे तो यहां तक ये लगता है कि वो स्वीप करेंगे, कहीं ना कहीं 72 से 70 सीटों में 50 सीटें भी लेकर जा सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं दिल्ली इसमें कांग्रेस की भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। अगर कोई कमी रह जाती है, मान लो 40 के नीचे या 35 के नीचे आते हैं, तो डेफिनेटली कांग्रेस उनको सपोर्ट करके, मुझे वापस लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हुए दिखाई देते हैं। फिर तो उनकी शनि की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही उत्तम है। आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बड़ा काम करेंगे। शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में मैं बेरिश हूँ। BSE 41,900 चल रहा है, ये 39,000 से 40
40,000 से नीचे आता हुआ दिखाई देता है मुझे। एनएससी जो है 12,350, 12,100 तक भी आ सकता है, मार्केट में आराम से खेले। कुछ लोगों ने हमें पोंच पोती भी दी है, वैशाली पाटिल, मनीष पाटिल, नीलेश वाघमारे, प्रियंका शेतकर और चैत्राली गांधे, आकाश खोत। समय की कमी होने के कारण मैं आप सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। अगले हफ्ते शनि के ऊपर बड़ा शो करेंगे। 12 राशियों की बात करें थे, 27 नक्षत्रों की बात करेंगे। मैं पंडित राजकुमार शर्मा अब आपसे चाहता हूं इजाजत। सी यू नेक्स्ट सैटरडे। गॉड ब्लेस यू। कीप स्माइलिंग।